ये आती है मैजिक क्लीन प्रो वर्लपूल का, 7.5 kg का मॉडल है। पहले मशीन में क्या करना है, ये ऑटोमेटिक देखिए मशीन है, कपड़े यहाँ पे डाल दीजिएगा, डिटर्जेंट ही यहाँ पे है, यहाँ पे डिटर्जेंट डाल दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो डिटर्जेंट ऊपर में छिड़ा सकते हैं, लिक्विड यूज़ करिएगा, लिक्विड यूज़ करना बेटर है, कंपनी जो बताती है। ढक्कन बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ पर पावर वाला ऑप्शन है, पहले पावर बटन ऑन कीजिए, डिस्प्ले में बहुत अच्छा सा डिस्प्ले आएगा, P1 देख पा रहे हैं, P1 का P1 का मतलब है, देखिए यहाँ पे सोक वॉश रिंस एंड ड्राई, सोक का मतलब है कपड़ा भिगो के रखेगा, वॉश का मतलब है कपड़ा कचेगा, रिंस का मतलब है कपड़ा पानी से धोएगा यानी खंगालना, और ड्राई का मतलब कपड़ा सिर्फ सुखाएगा। ओके, P1 में यहाँ पे लगे डेली, डेली का मतलब है कि डेली जो आप लोग कपड़ा पहनते हैं, 7.5 kg के अंदर कितना कपड़ा देंगे, 10 से 12 हो, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि नया मशीन है, लोड दे के चलाएंगे अभी चल जाएगा, इसका जितना उम्र बढ़ेगा इसका कैपेसिटी भी ढीला होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये वाला जो प्रोग्रामिंग बटन है इसको दबाइए, देखिए P2 आएगा, P2 आ गया, P2 का यहाँ पे लिखा हुआ है हेवी, हेवी का मतलब है जीन्स का पैंट कचने के लिए, ओके, कोई भी गंदा ऐसा होगा उसके लिए। P3 में आती है डेलीकेट, डेलीकेट बोले तो पतला और महंगा वाला जो कपड़ा आती है उसके लिए। P4 आती है वाइट कपड़े के लिए, जब आप वाइट कपड़ा डालेंगे सिर्फ वाइट कपड़ा डालिएगा और कुछ मत डालिएगा, क्योंकि वाइट कपड़े के अंदर ये सफ़ा अच्छा होता है, प्रोग्रामिंग सब सेट किया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में कितना लीटर पानी लेगा सब ऑटोमेटिक वाटर लेवल सिलेक्ट है, ठीक है सर, हर ऑप्शन के अंदर ये वाटर लेवल चेंज होता जाता है, ठीक है। उसके बाद है P5 स्टेन वॉश, स्टेन वॉश का मतलब क्या है, जो कपड़े में दाग धब्बा ज़्यादा रहती है उसके लिए स्टेन वॉश यूज़ करेंगे, पूरा नहीं तो उठा पाएगा फिर वो खींच देगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है इको वॉश, ये ग्रीन क्यों है पता है, इको वॉश इसका मतलब है कंपनी ये प्रूव कर चुकी है, जो कपड़े में जड़ी बूटी का काम रहती है, पत्थर का काम रहती है, लहंगा घगरा चोली बनारसी होती है ना, वो कपड़ा पानी पूरा भर के लेगा, देखिए यहाँ पे वाटर लेवल हाई में आ गया मैक्सिमम, देख रहे हैं क्या होगा, पानी पूरा भर के लेगा और आपका टाइमिंग कम लेगा, ओके। उसके बाद आती है उलेंस, उलेंस का मतलब को पता ही है, P7 का उल का स्वेटर वगैरह। उसके बाद है बेडशीट, बेडशीट डालेंगे तो 7.5 kg में कितना डालेंगे, डबल बेडशीट 2 सिंगल बेडशीट 1 आएगा, उसके ऊपर जो किशन कवर कवर आती है वो कवर वगैरह सब आएगा, वो सब बेडशीट में जैसे कि वो, हाँ डबल बेडशीट तो 2 आएगा, सिंगल बेडशीट 1 आएगा, ठीक है। अच्छा उसके कंबल भी, वुलन का कंबल भी, वुलन का कंबल जो बताते हैं उससे बाद में आते हैं थोड़ा, ठीक है। अच्छा ठीक, उसके बाद है रिंस एंड ड्राई, रिंस एंड ड्राई का मतलब क्या होती है, रिंस एंड ड्राई कपड़ा सिर्फ खंगालने के लिए, कपड़ा सिर्फ पानी से धोकर सुखा देगा, नया कपड़ा पहन के आप शादी में गए या ओकेशन में गए, वो घर में आके आलमारी से रखने से पहले जो धुलाई होती है सिर्फ पानी से धोकर सुखा देगा, और पसीने का जो बदबू है वो चल जाएगा, ठीक है, सर्फ वगैरह नहीं देना पड़ेगा, वो करती है रिंस एंड ड्राई, ओके, पानी खंगाल के छोड़ देगा, हाँ P9 में। उसके बाद आती है P10, ये वाला ऑप्शन मैनुअल है, 1 से लेकर 9 तक प्रोग्राम ऑटोमेटिक होगा, कपड़ा कच के धोकर सुखा देगा, ठीक है। और P10 में आती है ड्राई, पावर ड्राई यानी कपड़ा सिर्फ सुखाएगा और कुछ नहीं करेगा, जैसे कि सर अभी पूछ रहे थे जो कंबल ब्लैंकेट होती है, कंबल इसके अंदर डालेंगे उतना अच्छा साफा नहीं होगा, सीधा बात है, बाहर आप लोग कचती है अंदर में सुखा पाएंगे बहुत अच्छा सा सूखेगा वो, जैसे वो भारी होती है ज़्यादा, या आप सोचिए कि आपका कपड़ा पहन के बाहर गया बारिश में कपड़ा भीग गया, वो कपड़ा आप ड्राई में आके सुखा सकते हैं, 80% का आप सुखा देगा पूरा, पंखे के हवा में 2 घंटा रखेंगे पूरा सूख जाएगा आपका, ओके। उसके बाद आती है वॉश ओनली, P11 में वॉश ओनली का मतलब देखिए यहाँ पे सोक एंड वॉश सिर्फ ब्लिंक कर रहा है दोनों का, कपड़ा सिर्फ भिगो कर कचेगा जैसे आपको यूज करना है अभी, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन में कैसा यूज होता है वॉश ओनली, सिर्फ कपड़ा कचेगा और कुछ नहीं करेगा, पानी ड्रेन आउट भी नहीं होगा, जैसे पानी निकल जाता है ना वो भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर बहुत कपड़ा पड़ा हुआ सिर्फ कचेंगे एक ही पानी में, गंदा पानी में आप 2-3 बार तो कर सकते हैं, आप चालू की ऑप्शन में जाके ये वाला जो स्टार्ट बटन है, जैसे आप गाना सुनते हैं ना फोन में, स्टार्ट और पॉज यही है, ये स्टार्ट करेंगे तभी पानी आना चालू होगा, नहीं तो पानी एक बूंद भी अंदर नहीं गिरेगा इसके अंदर, ठीक है। इसलिए P11 में जाकर आप वॉश ऑनली में स्टार्ट किए, पानी आ गया, कपड़ा डाल दिया, आप डिटर्जेंट डाल दिया, कपड़ा कच दिया, वो जो कपड़ा था आप उठा के बाल्टी में रखे, वो जो गंदा पानी है वहाँ पर ही रहेगा, फिर दूसरा कपड़ा डालिए, एक ही पानी में 2-3 मरतब कच सकते हैं ऐसा लगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पानी को अगर आप निकालना चाहते क्या करना होगा, आपको फिर से ड्राई ऑनली में जाके स्टार्ट करना होगा, ठीक है, पानी पूरा निकल जाएगा, कपड़ा भी सुखा जाएगा आपका सारा, फिर मतलब वापस हमको टिप टिप के वापस मतलब पैन में जाना, पेन में जाना होगा, ओके।
मतलब ये हमको अगर जैसे कि हम डेली में वॉश के कुछ कपड़ा धोल दिए हाँ। उसके बाद अपने से ड्राई नहीं होगा ऑटोमेटिक? नहीं नहीं नहीं, एक से लेके नौ तक जो प्रोग्राम है हमको पहले ही बताए, एक से लेके नौ तक जो प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक काम करेगा, कपड़ा टच के धोकर सुखा देगा। ओके, ये पी 10, 11 और 12 ये तीनों मैनुअल ऑप्शन है। अच्छा, ये जो पी 12 है एक्वा स्टोर, इसका मतलब आपका क्या लगा सोचिए कि बोले कि का टैंकी साफा होगा। एक्वा स्टोर का मतलब है ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लोग यूज़ नहीं करते, सोचिए कि कल बोले कि आपका पानी का टैंकी का पानी ख़त्म हो जाएगा या पानी बंद रहेगा, तो क्या करेंगे एक्वा स्टोर में जाकर अगर स्टार्ट करते हैं ए पी 12 में, 10, 11, 12 पी 12 में जाकर स्टार्ट करते हैं एक्वा स्टोर, स्टार्ट करते हैं पानी थोड़ा स्टोर होकर रहेगा कपड़ा खींचने के लिए। ठीक है, पानी देखिए यहाँ पे वाटर लेवल आ रहा है हाई। ओके, उसके बाद यहाँ पे चार प्रोग्रामिंग है, एक्सप्रेस वॉश, वाटर लेवल, हार्ड वाटर वॉश एंड डिले। ये किस किस काम में आते हैं, कौन सा ऑप्शन है? एक्सप्रेस वॉश ये कौन सा ऑप्शन में काम करेगा देख लीजिए, डेली हेवी डेलीगेट, तीन तो हो गया, 1, 2, 3। उसके बाद काम करेगा बेडशीट का मतलब है, उसके बाद करेगा रिंस एंड ड्राई या वॉश ओनली, टोटल 5 तो ऑप्शन होगा काम करेगा ये एक्सप्रेस वॉश बटन। 1, 2, 3 हाँ, बेडशीट हाँ, रिंस और वॉश ओनली, या 5 ऑप्शन से वो एक्सप्रेस वॉश काम करेगा। 6 हो गया, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 6 ऑप्शन में। ठीक है, एक्सप्रेस वॉश का मतलब है सोचिए कि कोई भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, सोचिए कि P1 आप सिलेक्ट किए, ठीक है, उसके बाद अगर एक्सप्रेस वॉश तब दबाते हैं लाइट ऑन हो गया, इसका मतलब टाइमिंग आपका कम लेगा, कपड़ा जल्दी कटेगा, ये वाला सिलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो मतलब यहाँ कितना टाइम लगेगा ये दिखाता है? हाँ दिखाता है। और एक चीज़ आपको सोचिए, जहाँ पे टाइम लगेगा पानी, अगर आपका स्पीड रहेगा पानी जल्दी भरेगा तो आपका टाइमिंग भी कम लगेगा, पानी अगर भरे में टाइम ही लगेगा तो आपको कपड़ा भी कचने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, दूसरी आती है वाटर लेवल, ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना होता है, कंपनी सब सिलेक्ट किया हुआ है, हाथ देने का जरूरत नहीं। हार्ड वाटर वॉश, जहाँ जहाँ पानी में आयरन होती है, अगर वो कस्टमर लोग सोचिए आयरन का नहीं लगा पा रहे तो आप क्या होगा, ये हार्ड वाटर वॉश आप दबाते हैं, पानी कम लेगा आपका और डिटर्जेंट ज़्यादा मांगेगा, क्योंकि आयरन वाला पानी में उतना सफा नहीं होती है, उसके लिए डिटर्जेंट ज़्यादा देना पड़ती है। खार पानी में क्या होता है, नमक वाला थोड़ा पानी में आप सरफ देंगे ना उतना फैना नहीं होगा, फैना कम होगा, उसी के लिए सफ़ा ज़्यादा होने के लिए ये पानी कम लेगा और डिटर्जेंट ज़्यादा मांगेगा। 6 सेंसर मशीन है सर, ठीक है, मशीन देखिए ये है वाइट मैजिक क्लीन प्रो। उसके बाद दिया डिले वाला ऑप्शन, आप ये यूज़ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, एक्सप्रेस वॉश यूज़ कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जल्दी चाहिए तो एक्सप्रेस वॉश यूज़ कर हाँ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिले वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्यों होता है, ये टाइमिंग लेट करती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑफिस जो स्टाफ लोग हैं जो सुबह काम में चले जाते हैं रात में आती है उन लोगों के लिए। क्या होती है, अगर कोई भी ऑप्शन से पी वन में जाके आप डिले दबाते हैं 3 घंटे से स्टार्ट, ठीक से देखिए डिले अगर हम दबाएँ H3 दिखा रहा है, फिर एक बार दबाएँ H4, H5, H6 अपने ऊपर आप जितना टाइम सोचिए, रात 10 बजे कपड़ा डाले, डिटर्जेंट भी अंदर डाल दिए यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद सोचिए हम H3 में जाके 7 घंटा सेट करके ये स्टार्ट कर देते हैं, आप स्टार्ट कर दिए ये लाइट ब्लिंक करना चालू हो गया, यानी 5 सेकंड के हिसाब से काउंट होगा। क्या होगा, रात 10 बजे कपड़ा आप देते हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 सुबह 5 बजे मशीन ऑटोमेटिक ऑन होगा, पानी लेगा, कपड़ा कचेगा, धोएगा, सुखाएगा, 7 बजे के अंदर 2 घंटे के अंदर मशीन कपड़ा कच्चा धोकर सुखा के रख देगा। अब जब नौकरी में जाएंगे निकलने के लिए आप मिल के चले जाना, बस हो गया, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाला डील ऑप्शन लगती है। ओके, आप स्टार्ट कर दिए हैं, उसके बाद क्या होते हैं, इसके चाइल्ड लॉक ऑप्शन है, आप कभी भी कोई भी ऑप्शन पहले पावर ऑन करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, उसके बाद घर में क्या होता है, बच्चे लोग रहते हैं उसका सेफ्टी के लिए चाइल्ड लॉक ऑप्शन दिया होता है, जैसे कि बच्चे लोग होते हैं ना ऐसे दबा देती है सब रुक जाती है, ये जो दो बटन है ना देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बटन को 3 सेकंड के लिए एक साथ दबाइए, आप स्टार्ट कर दिया उसके बाद यहाँ पे हाथ दीजिए 3 सेकंड, 1, 2, 3, ये देखिए बीच का लाइट जल गया ये वाला, इसका मतलब चाइल्ड लॉक ओपन हो गया, देखिए पावर बटन तक काम नहीं करेगा। ओके, उसके बाद आपको अनलॉक ऑन होगा, 3 सेकंड दबाइए, देखिए 1, 2, 3 अनलॉक हुआ, ये देखिए पॉज कीजिए, पॉज हो जाएगा, ऐसे साउंड देगा बीप, ठीक है, ये सब पावर ऑफ कर सकते हैं, बस पूरा सिस्टम ऑफ हो गया। ओके, अच्छा, हमको डेली नहीं धोने रहा, एक दिन बीच करके धोने रहा, दिन कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा उसके बाद, परंतु एक चीज़ बता देते हैं, कंपनी एक ही चीज़ रिकमेंड करती है, आपका मशीन आपका लॉन्गजीविटी तभी देगा जब आपका पानी आयरन फ्री होगा। और एक तो चीज़, पानी अगर आप डेली कचते हैं या कोई भी वॉश,
30 से 35 वाश के बाद एक स्केलिंग पाउडर होती है कंपनी का ओरिजिनल वर्लपूल का, जो कंपनी गुड़गांव में मैन्युफैक्चर करती है, उसको यूज़ करना होता है कि आपका लॉन्गजीविटी ज़्यादा रहेगा मशीन का, क्योंकि लोड देके चलेंगे मशीन अभी चल जाएगा, जिसका उम्र बढ़ेगा उसका कैपेसिटी भी ढीला होता जाएगा। तो स्केलिंग पाउडर से मतलब करना है क्या, बस डायरेक्ट डाल देना है? डाल दीजिएगा, कपड़ा मत दीजिएगा, ठीक है? और क्योंकि कपड़ा पूरा फाड़ देगा आपका, गर्म पानी में यूज़ कीजिएगा तो बेटर आसानी होगी। और एक तो चीज़, दो चीज़ याद रखिए, कंपनी जो रिकमेंड करती है, बच्चे लोगों के हाथ में वो मत दीजिएगा, क्योंकि वो रॉहड केमिकल बोलते हैं, वो किलिंग स्किलिंग सफा करने के लिए होती है, ठीक है? और जब कोई भी कस्टमर यूज़ करेंगे, वो जैसे पंखा चलती है ना बैलकनी में, बहुत कस्टमर का मशीन रहती है या डाइनिंग प्लेस में रहती है, सा एज पॉसिबल, तो क्या होता है जब डालते हैं आपका आँख में नहीं गिरना चाहिए, थोड़ा आँख में थोड़ा डैमेज करती है वो, बस ये दोनों सेफ्टी मान के आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको बाहर पे अभी तक कंपनी नहीं छोड़ा है, ऑनलाइन या मार्केट पे जो सर्विस सेंटर का टेक्नीशियन आते हैं, जैसे हम लोग आते हैं, तो आपको अगर रहेगा तो हम लोग परचेस कर सकते हैं, कंपनी की MRP भी मिलेगा, आपको बिल भी मिलेगा, ठीक है? कितना प्राइस उसका? नया प्राइस है।